Two, one, let's go for it. Zen, my What's brother. Up? What's up? Kaisa mere bhai? How are you, man? How are you? I'm good. How are you? Brother, I love your camera angle. Yaar, kahan se rakha? Upar se rakha hai? Kaise? Stand pe kya hai? Thanks, mate. Hi, yaar. Ring light hai. I was just working on something and then I just remembered ki yaar, aapke saath live hai. So that's how we connected. And I was like, okay, the infrared cutter bhai sitke saath live hai. अरे भाई, तो मैंने कैमरा एंगल वैसे ही सेट कर रखा है एंड दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग अ मोर डेक्ड अप. अरे ब्रदर, तुम तो माने बड़े हैंडसम हो यार. तुम्हारा गूगल किया, टॉप मोस्ट गुड लुकिंग मैन इन द वर्ल्ड, ये सब आने लग गया है भाई. नहीं भाई, बस दुआएं हैं सबकी, आप लोगों की दुआएं, बड़े बुजुर्गों की दुआएं हैं. मैं भी बहुत जवान हूँ मेरे भाई, बहुत जवान. नहीं नहीं भाई, अब आई एम श्योर यार बड़ी, हम दो कभी मिले नहीं है, बट आई एम श्योर यू हैव अ ग्रेट वाइब एंड आई कीप ऑन listening to your this thing radio ke sir. I wouldn't say I'm an avid listener, but maine aapka suna hai, aapko suna hai maine, and yeah, bhai, great job video, bhai. By God's grace, watch apni interviews jo hai YouTube pe aate hai, and by God's grace trend marte hum log ye videos par. Mashallah bhai. I would bas yahi dua karunga ki you know you grow higher and higher. And keep me in your dhuai as well. Of course, brother. Listen, मैं ये जानना चाहता हूँ कि MBA में, private sector में काम करने वाला बंदा, sharp, intelligent, सब छोड़ के बोला कि I want to be in front of the camera. ऐसा क्यों? भाई, I would say inclination था towards the industry. And मैं दिल्ली में modeling भी किया करता था पहले, and पढ़ाई भी कर रहा था, job भी की थी मैंने American Express में, and so I've all actually done it all. तो मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं एक्सपीरियंस सारी चीजें करता हूँ. तो वो आई थिंक एक मेरे नेचर में है कि यू नो अगर कुछ हो रहा होगा तो लाइक आई विल प्रॉब्ली गो इन फॉर दैट. कुछ और चीज चल रही होगी तो मैं उसमें भी घुस जाऊंगा. सो यू नो ऐसी चीज है कि मुझे हर चीज एक्सपीरियंस करने का बड़ा एक जोश और एक मेरा वो रहता है अंदर. तो मैं वो कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, जॉब कर रहा था, देन एकदम से हुआ कि यार चलो ठीक है, मॉडलिंग तो कर ही रहे हैं, सो लेट्स गो टू मुंबई एंड ट्राई लक, व्हाई नॉट. तो आया मैं एक साल के लिए था भाई, माशाल्लाह से 6 साल हो गए हैं. सो आई केम इन आई थिंक 2014 नाउ, एंड अभी 2020 चल रहा है. 20 को मैं काउंट नहीं करूंगा अपने एज में, आप भी काउंट मत करना. बट या सो इट्स बीन लाइक 6 इयर्स नाउ, एंड या माशाल्लाह ऊपर वाले ने काफी कुछ दिया है, एंड या ग्रोइंग. ओके सो ब्रदर, आई लाइक द वाइब. आई जेन्युइनली डिडंट नो हाउ बिग यू आर, बट नाउ व्हेन आई स्टार्ट पुटिंग अप योर पोस्ट, sorry, fan club, sabai. मैंने कहा यार, this guy is exploding. But listen, what I want to know is, क्या वाकई में डंकी की चोट सवाल कि लोगों ने तुमको मॉक किया जब तुम ऑडिशंस करते थे, saying ये क्या कर रहा है, हंसते थे तुम पर? ये बात भाई सही है, genuinely बहुत सही है, because I came from a no acting background. कोई एक माय बाप नहीं है मेरा, मैंने कभी कोई थिएटर नहीं करा जो लोग यूजली करके आते हैं एक्टिंग, और ना ही मैंने कोई एक्टिंग कोर्स कर रखा है, ना मैंने कोई एक्टिंग वर्कशॉप की थी. मैंने सोचा यार मॉडलिंग करता हूँ, यहाँ पे आया, एड्स वगैरह कर रहा था मैं, एंड ये था कि भाई एड्स से ज्यादा पैसे मिलता नहीं, आपको पता है हाउ थिंग्स आर एड्स वगैरह में, टीवी सीज में. कभी कुछ किसी ने 10,000 रुपए दे दिए, किसी ने 15 दे दिए, किसी ने कोऑर्डिनेटर ने 20% खा लिए, 10% खा लिए. सो व्हाट अल्टीमेटली व्हाट यू यूज्ड टू गेट वाज नथिंग. सो आपको रेंट निकालने के लिए यू हैव टू डू समथिंग दैट्स यू नो दैट्स रियली बिग. सो मैंने सोचा यार लेट्स स्विच टू एक्टिंग. तो जब मैं इनिशियल डेज में ऑडिशंस वगैरह देता था तो लाइक पीपल यूज्ड टू मॉक एंड यू नो कैमरे के पीछे ऐसे करते, अरे ये क्या है, गुड लुकिंग बंदा है, सिर्फ कुछ नहीं शक्ल के उसमें आ गया, मॉडलिंग मॉडल है, एंड यू नो एक्टिंग एक्टिंग आती नहीं. एंड जेन्युइनली दे वर राइट, बट दैट थिंग हिट मी ओवर हियर. तो क्योंकि इंसान अगर कैमरे के पीछे कोई हंस रहा होता है एक्टर के लिए तो इंसान को दिखता है यू नो. तो मैंने उस टाइम ठान लिया था कि यार चलो ठीक है, इस बंदे को दिखाएंगे भाई क्या है. So, वो तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो वो चीज हुई एंड देन ऑडिशंस क्रैक करे एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली एक लीड मिला, फिर दूसरा लीड मिला, फिर तीसरा, एंड जस्ट यू नो थिंग्स केप्ट ऑन हैपनिंग. पर अभी मुझे बताओ कि आप जेन्युइनली बोलते हो, उस समय क्या आप वाकई में बुरे एक्टर थे? मैं वाकई में बहुत बुरा एक्टर था, क्योंकि जो मेरा पहला शो था कैसी यारियां, उसमें मैंने लाइट एंगल्स, कैमरा एंगल्स एंड एक्टिंग काफी हद तक सीखी. मतलब आई वुडन्ट से एक्टिंग सीखी, एक्टिंग मैंने अपने सेकंड जो मेरा एक फेमस शो था बहुत टशनिश, आई डोंट नो इफ यू हर्ड ऑफ इट और नॉट, उसमें मैंने नेगेटिव लीड किया था. तो उसमें मुझे जी रिश्ते अवार्ड भी मिला था, माय फर्स्ट एवर अवार्ड.
एंड सो वो नेगेटिव ग्रे शेड था मेरा एंड उसमें मैंने एक्चुअली आई वुड से कि एक्टिंग सीखी एंड पॉपुलैरिटी उसी से मुझे मिली थी तो बट मैं जेन्युइनली बहुत गंदा एक्टर था भाई, मतलब आई कांट इवन डिस्क्राइब. अभी मैं देखता हूँ ना अपने पुराने शोज उठा के, मैं कहता हूँ यार ये मैं नहीं हूँ यार, ये मैं हूँ नहीं, ये मैं नहीं कर रहा. सो आई मीन जेन्युइनली यार, बिकॉज ऑब्वियसली आपको भी पता है कोई भी चीज आप जब स्टार्ट करते हो तो आप एक्सपीरियंस नहीं होते, इट ऑल कम्स विद एक्सपीरियंस. सो विद टाइम आई गेन्ड इनफ एक्सपीरियंस एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्टिंग में भी सुधार आया एंड नाउ आई वुडन्ट से आई एम अ प्रो, बट इतना है कि किसी एक फ्रेशर को सिखा सकता हूँ थोड़ी बहुत एक्टिंग. ये क्या बात है, विक्ट्री वेव टू यू मेरे भाई. कम ऑन लेट्स डू दिस, कम ऑन ब्रदर लेट्स डू दिस. देन तुम अच्छे एक्टर हो, पॉपुलैरिटी इज फिनोमिनल, टीवी इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, आई रिस्पेक्ट टेलीविजन अ लॉट, आई थिंक यू टीवी स्टार्स आर ह्यूज, वी रियली हार्ड वर्किंग, आई नो अबाउट दैट. बट ये बताओ, कहीं दिल में वो है कि यार मुझे इंडियन फिल्म स्टार बनना है? And are you working towards it? You've spent 7-8 years in the business, bhai. Ab kya? Bhai, har ek actor ka ek motive hota hai ki wo apne aap ko ek big screen pe dekhna chahta hai. And wo mera bhi hai. But I think I'm just waiting for the right opportunity to come my way, to knock and say, Zain, I've come. So, aisa hai ki jaisi koi achhi opportunity aayegi, koi achha production house, achhi movie, achha content aayega, so I'll be more than happy to do it. Yeah, abhi I'm actually just exploring the digital space. To thoda ek abhi mera digital aaya tha show Never Kiss Your Best Friend. I'm still working on Poison 2, so still wo chal rahi hai, uski shooting chal rahi hai. Never Kiss Your Best Friend. Have you kissed your best friend? no. Interesting question, but I haven't. Yeah, friends are friends. Yeah. Those can't be friends with benefits. अरे क्या बात है मेरे भाई. But you know what? कहीं तुमको ये लगता है जो conversations हो रही है Indian film industry में कि outsiders को crack करना है movie बहुत tough होता है, background नहीं होता तो to get across to the right producers is difficult. कहीं वो तुमको डंके की चोट बोलो, क्या वो तुमको demotivate करता है? Well. To some extent, I would say, because you know, when you see a lot of not talented people, you know, in front of you, and you know, if I see them, you know, big screen pe, you know, kabhi kabhi ek andar thought aata hai ki yaar, why haven't actually they come prepared for the big screen? Yaar, I mean, aapke paas waqt tha, aapke paas log the, aapko prepare karne ke, you should actually prepare yourself and then come. तो आई थिंक वो एक है जो मुझे कहीं ना कहीं लगता है दैट यू नो पीपल समटाइम आई डोंट नो आउट ऑफ प्योर प्रेशर व्हाट दे डू सपोर्ट पीपल हु आर नॉट टैलेंटेड इनफ एंड देन स्टिल यू नो टैलेंटेड पीपल देयर आर लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, राइट प्लेटफॉर्म कभी नहीं मिलता, वो वेट कर रहे हैं. कई लोग वेट करते रह जाते हैं, कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं, कई लोग मुंबई सिटी छोड़ के चले जाते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली कीप योर सैनिटी एंड यू नो पीस विद इन योर सेल्फ एंड जस्ट आई वुड जस्ट से कि यार किस्मत है, हार्डवर्क है, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन डूइंग द हार्डवर्क एंड जो आपका मोटिव है उसको आपको एक घोड़े की नाल होती है ना वैसे आपको चलना है. इधर उधर चीजें होंगी, लोग बोलेंगे, सोसाइटल प्रेशर आएगा आपके ऊपर, सोसाइटी के लोग बहुत बोलेंगे, बट जस्ट डोंट गिव अ फक वाला एटीट्यूड रखिए एंड देन मूव ऑन विद व्हाट यू डूइंग एंड व्हाट यू एम. कहीं टू बी ऑनेस्ट इन दिस जर्नी ऑफ 7-8 इयर्स, कहीं तुम भी कभी डिप्रेस्ड हुए हो कि यार सही चीजें नहीं हो रही हैं, टफ बैटल है, यू कम आउट विद नो बैकग्राउंड इन द टेलीविजन बिजनेस, हैव यू गॉन थ्रू एनी ऑफ दैट जेन्युइनली? भाई आई वुडन्ट डिनाई दैट, बट डिप्रेशन को कभी मैंने अपने पास आने नहीं दिया भाई. तो वो एक जरूरी है कि आप अंदर से कितने स्ट्रांग हैं वो आपको एक देखना पड़ता है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि यार आपके आसपास जो हैं सही किस्म के लोग हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं या प्रॉब्लम जो आपके साथ में है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके आसपास के लोग पॉजिटिव हों, सो दैट नेगेटिविटी should never be there. You know, it's really very important for the people that you know that you're having a conversation like you know you have a really positive attitude. I mean, main aapki ek do chats bhi dekh raha tha,
सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जिससे आप बात करें जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो पॉजिटिव हो, तो वो जो ऑरा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक इवन व्हेन आई यू नो शूट आई मेक श्योर मैं कुछ ना कुछ प्रैंक्स खेलते रहता हूँ, कभी अपनी को स्टार के साथ, कभी किसी के साथ, किसी के साथ, सो दैट यू नो द एनवायरमेंट इज रियली पॉजिटिव. सो या सो मैंने वो हाँ आने दिए डिप्रेशन और ऐसी चीजें नेगेटिविटी कभी अपने करीब आने नहीं दी यार. एंड दैट्स व्हाई कई कई बार होता है कि यू नो आपके पास काम नहीं होता एंड यू नो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, काम नहीं है, इतना कुछ करने के बाद कुछ नहीं है. बट हाँ ये थॉट लाने नहीं देना चाहिए आपको अपने दिमाग में. भाई मुझे बताओ तुम सिंगल हो क्या हो, दिल से बताओ सही. यार आपको मैं खुश अच्छा नहीं लग रहा, मतलब अरे देखो मतलब आपको क्या लगता है मैं खुश हूं ना, तुम so समझ जाओ क्या हो. भी खुश रहोगे, तुम हमेशा खुश रहोगे, यही मेरी दुआएं हैं सारे फैंस की हैं. क्या रिलेशनशिप में हो कि नहीं सही बताओ. नहीं नहीं भाई आई एम हैप्पीली सिंगल राइट नाउ. सो या ओके सो आई वांट टू आस्क यू जी क्या आप अदिति राठौर के साथ रिलेशनशिप में थे कि नहीं. नहीं भाई नहीं नेवर नेवर मेरे भाई कभी नहीं था भाई ऐसा कुछ नहीं है. लोगों ने बस फैंस ने इतना प्यार किया था कि फैंस उनको ऐसा लगने लग जाता है बिकॉज़ यू नो वंस दे लव द कैरेक्टर बोथ द कैरेक्टर्स बिकॉज़ अदिति का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था शो पे, मेरा कैरेक्टर इंपॉर्टेंट था, तो लोगों को इतना लगता है कि यार इनको एज अ कपल देखने में बड़ा मजा आता, तो लोगों ने सिर्फ रूमर्स बना दिए एंड देयर वाज नथिंग लाइक दैट. पर ये क्या था कि तुम उससे शादी करना चाहते थे अदिति राठौर से, एक मैसेज आया ऑन नहीं ये कुछ कुछ मीडिया हाउसेस ऐसे होते हैं जो जो जिनको मसाला चाहिए होता है राइट, तो आई थिंक किसी ने रैंडमली लिख दिया विदाउट यू नो ना ही मुझसे बात करी थी, मुझे ये लिख दिया कि ज़ैन सेड दैट कि ही वांट्स टू मैरी एक्स वाई ज़ेड गर्ल, तो आई थिंक वो गलत चीज है. एंड फिर जब मुझे पता लगा था उसको मैंने अपने अभी तक बैन कर रखा है, मतलब उस मीडिया हाउस को, ना ही मैं उनके लोगों से बात करता हूँ, ना ही मैं उनसे कभी कॉन्वर्सेशन करता हूँ, सो वो मेरे उसमें हमेशा के लिए बैन हो चुके हैं. पर ये बताओ जब ये चीजें होती है तुम्हारे साथ, जब तुमने कहा नहीं और किसी ने कर दिया, ये क्या अक्सर होता है? एंड स्पेशली सोशल मीडिया का जमाना है जहां आजकल से सेंसिटिविटीज बहुत हाई है यू नो. हाँ हाँ so भाई क्या होता है, डू गेट एंग्री, डू गेट सॉरी 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 नो नो भाई आई डू गेट एंग्री बिकॉज जेन्युइनली मैं मीडिया के साथ काफी अच्छा हूँ. आई मीन जो जो लोग मुझे जानते हैं टीवी मीडिया में जो जर्नलिस्ट हैं दे ऑल नो मी बिकॉज आई नो द काइंड ऑफ हार्ड वर्क दे पुट इन. हर रोज आके एक बाइट के लिए 5 मिनट की वो लोग खड़े रहते हैं 6-6 घंटे 7-7 घंटे सिर्फ एक ही उनको हमारी एक 5 मिनट की बाइट मिल जाए. सो मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ. एंड जब कुछ इस टाइप के लोग आके मसाला लाने की कोशिश करते हैं ना, तो उसको मैं बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता, ना ही उसको मैं प्रमोट करता हूँ, तो वो मुझे गुस्सा आता है भाई. बट आपको गुस्सा अंदर रखना पड़ता है भाई, आप ज्यादा रिलीज नहीं कर सकते. आदिति और तुम क्या अच्छे फ्रेंड्स हो, आर यू लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, आर यू फ्रेंड्स बट दैट्स इट, क्या है? आपको लगता है पीछे से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ऐसा. हम लोग जब तक हम लोग काम कर रहे थे हम लोग अच्छे दोस्त थे, उसके बाद भी हम लोग अच्छे दोस्त थे. फिर वो आई थिंक शी इज मूव्ड टू हर होम टाउन, तो तब से हमारा इन टच, वी नॉट इन टच. इनफैक्ट आई डोंट नो किसी से बाकी किसी से भी बात नहीं होती या होती आई डोंट नो बिकॉज ऑब्वियसली यू मूव ऑन. मैं बिजी हो गया तो मैं अपने काम में बिजी था एंड या दिस इज व्हाट इट इज. ओके फेयर एनफ. देखो पूछना मेरा फर्ज है और दिल से पूछता हूँ. नहीं नहीं बिल्कुल, इट्स बेटर टू आस्क देन टू या इट्स बेटर टू आस्क, इट्स बेटर टू आस्क. एंड जेन्युइनली अगर मैं अपने मुंह से कुछ बोल रहा हूँ तो वो सच होगा, हालांकि खुद ही अगर आप कुछ बोल के हाँ ज़ैन ने ये बोला तो वो चीज गलत हो जाएगी एंड आई वुड अप्रिशिएट दैट, तो वो चीज है, वो चीज मुझे बुरी लगती है. एंड अभी तो जो है वो आपके सामने है. अच्छा अनन ईशान्या महेश्वरी, ईशान्या महेश्वरी उसके बाद उसके साथ भी आपके कुछ रूमर्स आए थे. सो भाई मैं आपको बता दूं एक चीज, मैं अगर किसी अपने दोस्त के साथ ना 3 दिन या 4 दिन रेगुलरली कहीं पिक्चर खिंचवा लूं, कहीं बैठ के कॉफी पी लूं, या यू नो रैंडमली हम लोग मिल लेना किसी भी लड़की के साथ, हाँ आई गेट कनेक्टेड. वो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा बट जिस के साथ हुआ है ना वो सबके साथ मुझे कनेक्ट किया है, सबके साथ बोला है कि आई बीन डेटिंग दैट गर्ल दैट फ्रेंड ऑफ माइंड, तो ये चीज गलत है यार. आई मीन फिर वो ही कहूंगा कि क्यों वाई, मतलब फिर तो यार फ्रेंड से मिलना बंद कर दूंगा यार. ऐसा नहीं, पर ये देखो यार तुम यंग हो, इंटेलिजेंट हो, हैंडसम हो, पॉपुलर हो, ये सब होता है यार, यू नो व्हाट आई मीन. दैट डजंट मीन यार कनेक्ट कर देंगे किसी से भी एंड कहां भी यार.
that I mean I don't know जब होगा भाई honestly I'm saying I'm telling you अभी जब कुछ ऐसा होगा ना मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं आगे से बोलूँगा कि भाई हाँ she is my girl like that तो दोस्तों यानी कि इन शॉर्ट ईशान्या महेश्वरी और आप दूर दूर से कोई रिलेशनशिप में नहीं है? नहीं भाई we're just friends that's it simple. अच्छा मुझे बताओ ये now what fear factor में इन लोगों के साथ आपने काम किया है what comes to your mind when I say Avika Gaur? She's a sweetheart यार I mean बहुत अच्छी दोस्त है हालांकि अभी वो मुंबई में और हैदराबाद में ट्रैवल करती रहती है बट शी इज अ वेरी स्वीट हार्ट यार मैं तो उसे किडो किडो बुलाते रहता हूँ बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव सीन हर ग्रो फ्रॉम दैट शो कभी मैं कहता हूँ तो इतनी छोटी थी इतनी सी थी बालिका मधु अब इतनी बड़ी हो गई एकदम से कि फियर फैक्टर में साथ में आ गई तो शी इज अ स्वीट हार्ट जेन्युइनली एंड वेरी पॉजिटिव शी इज विकास गुप्ता विकास गुप्ता यार आई डोंट नो ही इज गायब जब तक फियर फैक्टर था और वैसे था लाइक हाय हेलो होते रहती है बट दीज डेज आई डोंट नो व्हाई इज ही गायब पता नहीं ओके अली गोनी इज अ फ्रेंड यार एंड भाई है अपना भाई जैसा है सो हम लोग का एक्चुअली ग्रुप बना था मेरा जैस्मिन भारती दी हर्ष एंड या सो हम लोग का ग्रुप हम लोग निकल जाते थे शॉपिंग पे जब भी एक दिन मिलता था सो वी लाइक बडीज रिधिमा पंडित रिधिमा भी दोस्त है मेरी बट ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता रिधिमा से कभी कभार हाल चाल पूछ लिया तो वैसा है ओके भारती सिंह भारती दी यार ऑब्वियसली मतलब कुछ भी अगर मुझे जोक वोक या हंसने का मूड होता है मैं उनको कॉल कर लेता हूँ आए आए भारती दी कोई जोक सुनाओ ना यार कुछ सुनाओ ना सो शी इज अ स्वीट हार्ट अगेन ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड या तो वो भी मुझे वो बोलते हैं भाई भाई जैन भाई जैन भाई ओके सो भाई मानती है काफी मुझे वो यार क्या बात है मेरे भाई अरे कोई तो भाई मानता है क्योंकि इतने गुड लुकिंग हो सारी कन्याएं बोलती होंगी मुझे इससे शादी करना है इससे शादी करना है गेटिंग बैक टू दैट हॉटेस्ट एक्ट्रेस आपके अनुसार कौन है निया शर्मा जेनिफर विंगेट और एनीवन एल्स दैट कम्स टू योर माइंड कौन है हॉटेस्ट एक्ट्रेस ऑन इंडियन टेलीविजन पे हॉटेस्ट एक्ट्रेस भाई आई डोंट नो मैन पता है क्या मैं आपको बताऊंगा मैं आज बोलूंगा ना हॉटेस्ट एक्ट्रेस कल देखना न्यूज में क्या आएगा Zayn Imam finds this chick hot. Maybe there's some connection. Maybe they're friends and this and that. So ऐसा होगा तो इसलिए मैं नाम ही नहीं लूंगा मुझे यहाँ की जो एक्ट्रेसेस हैं I would say I always respect girls यार but मुझे ऐसे कोई hot या कोई नहीं लगती है Okay, most prettiest television actress. Pretty कर दिया चलो. Pretty कौन है भाई? Come on, Zayn. Don't play defensive, mere bhai. You spoke it from your heart. Come on. नहीं और यार honestly pretty कौन है यार मुझे नहीं समझ में आता यार मैं नहीं बोल सकता इसका जवाब नहीं है वैसे वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन यार क्योंकि मैं एक को pretty बोलूंगा तो दूसरी लड़कियां बुरी बुरा मान जाएंगी यार तो मुझे कोई टैग नहीं करना हो okay what comes to your mind when I say Asim Riaz I don't know him ठीक है देखा होगा बिग बॉस में कुछ तो या आई डोंट नो व्हाट कम्स टू माय माइंड ठीक आई थिंक ही इज हार्ड वर्किंग यार क्योंकि जहां से वो आए और मॉडलिंग से फिर बिग बॉस एंड आई एम श्योर बिकॉज़ मैं पर्सनली जानता नहीं तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता बट आई एम श्योर ही इज वर्कड हार्ड सिद्धार्थ शुक्ला उनसे एक बार मिला हूं मैं एंड देखा होगा बिग बॉस देखा है कि नहीं भाई मैं बिग फैन ऑफ बिग बॉस बट देखा एक आधे एपिसोड्स देखे हैं एंड बिग बॉस ओके सो आई एम नॉट जस्ट इन फॉर बिग बॉस तो मेरा वो नहीं है बट मुझे लगता है वो थोड़े लड़ाकू है यार सिद्धार्थ शुक्ला तो अब रियल में पता नहीं बिकॉज मैं एक ही बार मिला हूँ आई थिंक हम लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिले थे दैट्स इट डोंट नो हिम पर्सनली अच्छा मुझे बताओ यू नो वी आर ऑल वेरी वेरी हर्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट जो हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ वी ऑल फील द पेन ग्रेट बॉय ग्रेट टैलेंट एनीथिंग यू वांट टू से अबाउट दैट भाई भाई इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग बट व्हाटएवर हैपेंड वाजंट राइट आई डोंट नो द एग्जैक्ट
story and what's the real reason behind what happened. But you know, I would just say ki yaar, koi kitna bhi akela ho, I mean, akela na samjhe, ek dusre apne friends ke saath share kare, agar kuch aisa experience ho rahe hain aapke saath ya kuch galat aapko aap आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज शेयर विद समबडी, डोंट बी अ लोनर. तो मुझे लगता है कि यू नो कहीं ना कहीं आपको अपने फैमिली के साथ, बिकॉज दे यू नो अगर आप अपनी फ्रेंड्स को के साथ नहीं शेयर कर सकते, फैमिली के साथ अगर आप क्लोज हैं तो उन फैमिली के साथ शेयर करिए. कोई ना कोई एक इंसान होना चाहिए आपकी जिंदगी में जो आपको एक सही राह दिखा सके, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जस्ट मेक श्योर कि यू हैव वन ऑफ you know, some such kind of a person, एक दोस्त हो या एक family member जिससे आप बात करें, हर रोज बात करें, अपने दिल की बात share करें, ताकि एक वो जो load होता है ना वो कम हो जाए. तो it's a very sad thing that you know what happened because he was growing like anything and I think आगे आने वाले वक्त में अच्छे league पे भी जा सकता था, वो अच्छे league पे था भी already, but I don't know, it's really sad यार. I mean shocker था मेरे लिए तो, क्योंकि वो ही कम्स फ्रॉम द टीवी बैकग्राउंड एज वेल, एंड हर एक टीवी एक्टर की एक वो इंस्पिरेशन था कि यार मतलब वो टीवी से मूवी में गया, मूवी में अपना मुकाम बनाया. सो एक वो रहता है, बट इट्स रियली सैड यार. आई मीन आई हैव नो वर्ड्स मैन टू से. एनीवेज उनकी फिल्म आ रही है, वी ऑल विश हिम वेल, टुडे इज द प्रीमियर ऑफ हिज फिल्म. यस यस, दिल बेचारा, सो लेट्स ट्राई एंड वॉच इट फॉर हिम. या आई एम गोना डेफिनेटली वॉच इट. I'm sure he's blessing us from the heavens above. Okay, बहुत से लोग यहाँ पूछ रहे हैं, your what comes to your mind when I say Mohsin Khan? Shahrukh Khan. Mohsin Khan. अगर किसी को सीढ़ी की जरूरत हो तो Mohsin Khan को बुलाया जाए. लंबा इतना है यार, काम किया मैंने उसके साथ, लंबा बहुत है यार. मैं कहा मैं ही लंबा हूँ, वो तो भाई अलग ही लेवल का लंबा है. शहीद शेख. शहीद शेख यार हम दोनों का एक मतलब, मैं आई थिंक शहीद से एक या दो बार अवार्ड फंक्शन में मिला था. आई थिंक ही हैज गॉट अ गुड वाइब बिकॉज हम लोगों ने ग्रीटिंग एक्सचेंज करी थी, तो लगता ना आपको देखने से एक दूसरे को कि यार अच्छा बंदा है, पॉजिटिव बंदा है. तो आई थिंक मैं उतना जानता हूँ उसे, तो आई थिंक अच्छा बंदा है, वेरी नाइस गाय. सिद्धार्थ कनन. देखो मैंने आपकी तारीफ पहली कर दी थी यार, सिड वेक अप सिड. ओके ब्रदर, यार आई थिंक आई वुड आई वुड से कि यार आप प्लीज ऐसी स्माइल करते रहिए, एंड ग्रेट जॉब दैट यू डूइंग ऑन द रेडियो एंड अदरवाइज एज वेल. यू आर अ ग्रेट नेम इन द रेडियो फ्रेटर्निटी, एंड कीप ग्रोइंग लाइक दैट इंशाल्लाह, एंड वी विल डेफिनेटली कैच अप. कभी मिलते हैं, मिलेंगे. Of course, my good-looking stud. अच्छा एक रूमर जो तुम्हारे बारे में गलत था और तुमने बोला ये आया and you didn't like it, या फिर तुम हंसने लगे, वो क्या था? Rumors. I think rumors वही होंगे जो I think जो कोई भी मुझे किसी के साथ connect कर देते हैं यार. और क्या rumor आया था? I don't know. I think just people look. I've asked you, man. I've asked you. Don't worry. All right. Yeah. अच्छा मैं एक चीज. हाँ. One thing you want to be known as. जब तुम बोलते हो यार, जब भी हो लाइफ में लोग मुझे इस चीज के लिए जाने, वो क्या होगा? For being a good humanitarian and I think for a good person that I am, I think I try to stay grounded as. You know, as grounded as possible. तो मुझे मैं सिर्फ चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने अभी, बाद में, आगे भी, कि जिस तरह का मैं इंसान हूँ. तो I am what I am and I abide by that. तो वो बहुत जरूरी है कि एक good human के नाम से मुझे जाने. क्या मतलब ये बंदा था, कि मतलब बंदा है, genuine बंदा है, and you know, we really up look up to him. So he's like an idol that way. Superb man, and you already come across as a really nice guy, my friend. You do. Thank you. Thank okay, you, someone thank wants you. To see you on screen with Shehnaaz Gill. Ek message aaya hai yahan pe. Oh, definitely. Agar kuch aisa aayega Shehnaaz Gill ke saamne, to karenge, zarur karenge. Why not? All right. Suno, jaane se pehle, I'm going to take some names, give them a victory wave. Jitne bhi hamare dekhne wale hain, kuch naam lunga, kyunki wo log bol rahe hain, hum log ne unka naam nahi liya hai. Princess of Hyderabad, give her a victory wave. Come on.
Princess of Hyderabad. Janvi, Rajshri, Chandini, Mannat, Gayatri Verma, Arzu, Sara Khan, Twins, Mab, Vishakha, Rimple, Pranshu, Swati Mathur, Sinnaz. Remember everyone, ye interview YouTube par drop hoga. By God's grace, because of each one of you, we've been trending on YouTube. Last 1 month, 5 videos. Make this trend as well. Listen, brother. Ek aur naam aaya, I'm going to sign out. Tejaswi Prakash. What comes to your mind? Oh, Tejas. I don't know her. Okay. Are, she is a TV actress, yeah. No. I know, I've heard, but mujhe waise nahi pata. By face, mein janta nahi aaya. Okay. So anyways, people are asking about her, you and her working together, but it's okay. I'm sure you'd love to work with anyone who's good in what they do. Yeah, of course. Why not, Dad? So, brother, thank you so much. Khush raho, mast raho. May you always be known for great work. May you always be known as a good human being. Mere Siddharth Kanan, full power to you, brother. Thank you so much, buddy. Thank you. Be happy, man. Yes, I will. Keep smiling. Bye. See you, man. Bye. Take care.